सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, और आज हम लोग दिल्ली और वाराणसी के बीच बनने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी डिटेल्स, जैसे कि उसके स्पेसिफिकेशंस, उसका कॉस्ट, मतलब वो कितने में बनेगा उसका कॉस्ट, उसका रूट मैप क्या रहेगा, वो किन किन स्टेशंस पे रुकेगा, उसके कौन कौन से नए स्टेशन बनेंगे उस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए। तो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हम लोग ऐसे कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बाद ये इंडिया का सेकंड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जिसकी लेंथ की बात करें तो वो है 865 किलोमीटर। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में, मतलब इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने का काम कर रही है NHRCL, मतलब नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों, अगर इस दिल्ली वाराणसी के बीच बनने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के कॉस्ट की बात करें तो वो है 1,71,000 करोड़ रुपए, मतलब 1,71,000 करोड़ रुपीज़ का ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट होने वाला है। और दोस्तों, अगर इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ट्रैक गेज की बात करें तो वो है स्टैंडर्ड गेज, जो कि 1,435 mm का होता है। दोस्तों, इस दिल्ली वाराणसी के बीच बनने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 2023 में शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब मेन बात आती है कि आखिर इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बीच में वो बुलेट ट्रेन आखिर किन किन स्टेशंस पर रुकेगी। दोस्तों, इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बीच में वो बुलेट ट्रेन टोटल 12 स्टेशंस पर रुकेगी, और उन स्टेशंस के नाम कुछ इस प्रकार हैं: दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, न्यू इटावा, साउथ कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोही एंड वाराणसी, जिसे कैंट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इन 12 स्टेशन पे वो बुलेट ट्रेन रुकेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।